तो गाइस अभी मेरे पास है 3570 क्राउंस और जो मेरा अच्छा टारगेट है वो है 3580 क्राउन जमा करने का। तो देखते हैं भाई मुझे कितने मैच लगते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो अभी यहाँ पर आ चुका है लेसर ट्रेसर। तो भाई इससे पहले मैं 4 मैच हार गया लगातार, वो भी भाई एक भी मैच नहीं था, 4 मैच के हारने की स्ट्रीक भी बन गई मेरी यहाँ पे। देखते भाई यार मैं जीत पाऊंगा कि नहीं मैं जीत पाऊंगा अभी। और कोई भी भाई प्लीज पंच वंच मत कर देना, कोई भी गले मिलकर लेसर पे मत लेके कूद जाना यार, बहुत मुश्किल था अभी। और इससे पहले मैं एक भी बार फाइनल तक नहीं आ पाया भाई, सेकंड राउंड में हेलमेट हो जा रहा था बार बार। और ये देखो ये निंजा पंच मार रहा है, निंजा पंच मार रहा है भाई, ये हराएगा, ये उंगली करेगा कुछ, इसको पंच मार के हेलमेट करना पड़ेगा मुझे इसको। तो भाई ट्राई मारूंगा इसको, देखो पर पंच मारने का अगर लग गया तो अच्छी बात है, नहीं लगा तो छोड़ दो। देखो अभी जीजी कर रहे हैं, अभी जीजी कर रहा हूँ, वहाँ जाकर फिर भाई इसको टाइम मिलेगा ना पंच लगाई देगा के। और 3 लोग एलिमिनेट हो गए जल्दी फटाफट से, 3 लोग एलिमिनेट भी हो गए जल्दी जल्दी। ये आएगा ना यहाँ पे, इसको एक ही पंच दूंगा भाई, सामने नहीं आना चाहिए मेरे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ना सिर्फ ऐसा जीजी करके दिखाएगा लेकिन आगे आगे पंच मार देगा। देखो वही प्लानिंग में है, वही प्लानिंग में है, मैं उसके सामने कूद के निकल गया इसलिए नहीं आया वो आगे तक का। मारा देखो भाई, मेरे को पता था पंच मारने वाला, मैं इसको अभी पंच नहीं मारा क्योंकि भाई एंगल अच्छा था ही नहीं, मतलब वेस्ट हो जाता भाई वो, वेस्ट रहता पंच मार के एकदम। यहाँ पे कूद के आ रहा है मेरे साथ, देखो ये अच्छा भाई एलिमिनेट हो गया, भाई एलिमिनेट हो गया वो अपनी दिशा बदलने के चक्कर में, वो अपनी जगह बदलने के चक्कर में एलिमिनेट हो गया। वहाँ पे अच्छी बात है, चलो भाई अब कोई पंच नहीं करेगा लोग समय से। तो अगर कोई पंच मारने वाला रहता ना, लोग पहले ही पंच मार दिए तो उसको अभी एक जन एलिमिनेट हुआ, दो भी एलिमिनेट हो गया भाई, आखिरी बचा हुआ ये, देखते भाई कितना लंबा खेल पाएगा, ये आखिरी प्लेयर बचा हुआ है, देखते कितना लंबा खेल पाएगा अभी। सेंटा क्लॉस ये भी एलिमिनेट हो गया भाई मेरे पीछे आने के चक्कर में। तो यहाँ पर अभी मैं अपना 4 मैच हारने के बाद पहला मैच जीता हूँ भाई, आज तो हालत खराब होने लगी ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि भाई 4 मैच हार गया शुरुआत में। देखते भाई बाकी के बचे हुए 9 मैच कैसे जीता हूँ मैं। और यहाँ पर आ चुका अभी लेजर ड्रेस, और इससे पहले मैं 7 मैच हार गया भाई, और ऐसा लग रहा नहीं आज के मैं 30 से 40 मैच हारूंगा मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी तक मैं 11 मैच हार चुका और एक ही मैच जीता अभी तक का। और देखते भाई याला जीतूंगा कि नहीं, अगर याला जीता तो भाई 11 मैच हारने के बाद 2 मैच जीतूंगा भाई इसके अंदर, तो भाई बहुत गलत सीन हो रहा है इसमें मेरे साथ। और यहाँ पर अभी सब लोग अच्छे से खेल रहे, जीजी वो सब कर रहे, लेकिन भाई ये डायनासोर मेरे को शक हो रहा पंच मारेगा, वो डायनासोर पे तो शक हो रहा है कि एक गिर गया भाई, भाई शक हो रहा था गिर गया सीधा वो कोने से आके, जाने तो अच्छी बात है पहले जिस पे शक था वो गिर गया, और कोई यहाँ पे पंच मारने लेने लग रहा है भाई, भरोसा नहीं रहता भाई लोग एकदम अचानक में आके पंच मारेंगे पूरा गेम खराब कर देंगे। और 2 लोग और एलिमिनेट हो गए, 3 लोग हो गए एलिमिनेट टोटल, अभी तक 4 लोग और एलिमिनेट हो गए, तो मैं जीत जाऊंगा याला मैच, और याला जीतना ही पड़ेगा भाई, मैं 7 मैच हार गया यार, बहुत गंदा लग रहा है अभी। टोटल 11 मैच हार चुका, अभी तक 2 मैच नहीं जीता, 11 मैच हार गया भाई इतनी जल्दी जल्दी, बहुत दिमाग खराब हो रहा है। एक और जन गया, एक और जन गया, 3 लोग बचे बस, तीनों जन हो जाओ भाई फटाफट से एलिमिनेट ताकि मैच जीत जाओ इसके अंदर भाई। और यहाँ पे आ रही लेजर एकदम आराम आराम से आ रही है सब जगह से, और अभी खतरनाक वाले आने वाली रहेगी भाई सब जगह से, जब निकलती है ना एकदम स्पीड स्पीड वाली, तो बहुत बहुत एकदम ऐसा दिमाग खराब हो जाता है कहाँ कूदने का कहाँ नहीं कूदने का। और उसमें भी कोई जब कोई सर्वाइव करता है अभी सामने तो और चिड़ होती है, मतलब भाई मैं एलिमिनेट हो गया तो क्या सर्वाइव कर गया इसके अंदर। अभी यहाँ पे आगे एकदम कोने में जाऊँगा कूद के आराम से, अभी 2 ही लोग बचे, 2 ही लोग बचे, एकदम आराम आराम से खेलूंगा एकदम आराम आराम से। उतनी खतरनाक लेजर आ नहीं रही अभी, वैसे आएगी शायद बाद में आएगी, अभी तक तो नहीं आ रही, वैसे पूरा एरिया खाली हो जाता है। देखो अगर स्पीड में आ रही होती ना भाई पूरा एरिया खाली होता, आ गई भाई आ गई आ गई, बोल रहा था आने वाली, और आ गई यहाँ पे आराम से कूद के बीच में साइड में निकलूंगा भाई, ए नीचे नीचे नीचे, अरे भाई ये बच गया बच गया बच गया बच गया बच गया, चलो भाई बच गया बच गया, इजीली निकालूंगा यहाँ से। तो और फास्ट हो गए भाई और फास्ट हो गए, देखो कम हो चुके अभी, आराम से निकाल सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वहाँ पे बॉक्सर कूद रहा है एकदम आराम से, अब यहाँ पर थोड़ा टेंशन यहाँ पे, अरे भाई बॉक्सर, भाई बॉक्सर कूदा ही नहीं, बॉक्सर कूदा ही नहीं वहाँ पर, क्या क्या करा उसने, उसका तो गेम ग्लिच खा गया होगा या तो जाने। तो भाई मैं 11 मैच हारने के बाद 2 मैच जीता हूँ भाई, मतलब 7 मैच हारने के बाद सेकंड मैच जीत रहा हूँ अपना, देखते भाई बाकी के मैच कैसे जीतता हूँ। और अभी यहाँ पर आ चुका है हनी ड्रॉप, और इससे पहले मैं एक भी मैच नहीं हारा, मतलब लेजर ट्रेसर में जो जीता उसके बाद एक भी मैच नहीं हारा, सीधा हनी ड्रॉप में आ गया यहाँ पर अभी। और भाई वैसे भी क्या कर सकते भाई, 11 मैच हार गया ऑलरेडी, मैं 11 मैच हार गया अभी तक, मैं ये क्या हो गया ये क्या, अरे भाई नीचे की डल गायब हो गई थी, मैं देखा ही नहीं नीचे की डल गायब हो गई थी, वो प्लेयर अटक गया था वहाँ पर, मैं ध्यान भी नहीं देता वैसे भी क्या हो गया रहा वहाँ पे, मैं तो इग्नोर मार देता भाई, मैं देख ही नहीं रहा प्लेयर की तरफ, मुझे अजीब लगा थोड़ा, लेकिन मैं ये ध्यान नहीं देगा नीचे की डल गायब हो चुकी है अभी। और यहाँ पर प्लीज़ चूज़ है भाई, एक एक टाइल यूज़ कर, एक एक टाइल यूज़ कर भाई, चूज़े एक एक टाइल यूज़ कर यहाँ पे आराम आराम से, एक एक भाई एक एक, बहुत सही प्लेयर है भाई, बहुत अच्छा खेल रहा है ये प्लेयर। और हड्डी आके, हड्डी गिर गया, चलो भाई हड्डी गिर गया, मुझे लगा गेम खराब करेगा, हड्डी आके बस आराम से एक एक टाइल यूज़ करेंगे, उसके सामने की टाइल खाली करके आता हूँ, रुको ये देखो मेरे अंदर ही कमीनापन है ना यहाँ पे, वो इतना अच्छा खेल रहा है फिर भी मैं गया उसको यहाँ पर उंगली करने के लिए, आराम से एक एक टाइल यूज़ करते हैं अभी हम लोग, चलो यहाँ से साइड से होकर निकल जाऊँगा अभी, वो भी टाइल जा रहा है आराम आराम से, तब मेरा भी रास्ता खाली कर रहा है वो, उसको पता है कि भाई मैं उसके सामने नहीं आ सकता, अगर उसने एकदम मेन मेन टाइल खाली कर दिया मेरी लग जाएगी वाट लग जाएगी एकदम। और वहाँ से कोने से आते हुए देखो, कोने से आ भी रहा है वो, भागते हुए आ रहा है भाई, भागते हुए आ रहा है अभी वो, उसको गेम समझ गया शायद मेरा एक एक टाइल यूज़ करके मैं उसकी टाइल गैप कर रहा, वो समझ गया यहाँ पर अभी ये खेल पूरा समझ गया वो, मैं बीच की टाइल खा जाऊँगा यहाँ की पूरी, देखते क्या कर सकता है वो, आराम से कूदते हुए आगे जाएंगे, कूदते हुए निकलेंगे आगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पे एक ही टाइल यूज़ करेंगे, देखते क्या कर रहा है पीछे वो, देखते कहाँ भाई गिर गया यार, पूरे टाइल खराब करके गिर गया भाई, पहले कूद जाता यार, पहले ही कूद जाता मैं यूज़ कर लेता, अच्छा हुआ भाई निचले टाइल पर कोई नहीं, निचले फ्लोर पर कोई है नहीं यहाँ पे, बाकी सबके सब नीचे पहुँच चुके हैं भाई, ये देखो भाई सब कूद जा रहे पागल गए से,
सबको इतने आराम से एक एक डेली यूज करूंगा, एकदम कोई दिक्कत की बात नहीं। और जीत गया भाई, जीत गया एक नंबर। चलो भाई दो मैच की स्ट्रीक बन गई यहाँ पर, लेकिन भाई अभी मेरी 7 मैच की हारने की स्ट्रीक बन गई भाई इसके अंदर। चलो भाई दो मैच की स्ट्रीक बन गई जीतने की भी, तो यहाँ पर अभी मैं तीसरा मैच जीत गया और देखते भाई बाकी के बचे मैच कैसे जीतता हूँ मैं। और अभी आ चुका है यहाँ पर लेजर ट्रेसर, अगर आला मैच में जीता तो मेरी अभी यहाँ पर 3 मैच की स्ट्रीक बन जाएगी जीतने की। पिछला मैच में जीता था हनी ड्रॉप के, हाँ याद है हनी ड्रॉप के अंदर पिछला मैच जीता था मैं, उसके बाद एक भी मैच नहीं हारा सीधा इसके अंदर फाइनल में आ गया। देखते मैं आला जीत पाऊंगा कि नहीं जीत पाऊंगा। और भाई मैं मतलब यकीन नहीं हो रहा, मैं अभी तक 4 मैच नहीं जीता और 11 मैच हार भी गया ऑलरेडी, 11 मैच ऑलरेडी हार चुका अभी तक मैं और 4 मैच तक नहीं जीता अभी। यार ये अगर हार गया तो 12 मैच हार जाऊंगा, लेकिन नहीं हारना भाई, नहीं हारना मुझे अभी, और मैच अच्छे से खेलेंगे एकदम। और वो देखो हरी हड्डी पंच कर रही है और निंजा भी पंच करेगा मुझे ऐसा लग रहा है, निंजा भी पंच मारेगा ऐसा लग रहा है। लाल या हरी बोल रहा था निंजा पंच मारेगा मुझे ऐसा लग रहा था, निंजा मार भी दिया पंच और लाल या तो हरी हड्डी पंच कर रही है भाई। हरी हड्डी ने लेटा दी निंजा को एक, ये दूसरा निंजा ना वो कमी ना भाई, वो मार रहा है सबको पंच मार रही है। और लाल हड्डी हरी हड्डी दोनों बेकार है एकदम, दोनों के दोनों पंच मार रहे एक दूसरे को। और मेरे को नहीं पड़ जा भाई, बस मेरे को पंच नहीं पड़ जाए यहाँ पर, मैं बच करूँगा लो दोनों से। हरी हड्डी कूद गया भाई, हरी हड्डी डायरेक्ट कूद गया भाई, क्या क्या करा उसने। और किसका मैसेज आ रहा है यार बार बार बीच में, काई के लिए मैसेज आ रहा है भाई, मत करा करो ऐसे मैसेज, पूरा ध्यान अटक जाता है यहाँ पे। और ये क्या क्या भाई गले मिल रहे हैं यहाँ पे, गले मिल रहे हैं मस्त एकदम, वो गले मिल के उसको हेलमेट करने के चक्कर में भाई, लेजर ट्रेसर में गले मिल के हेलमेट करना बहुत मुश्किल है, मतलब खुद भी हो जाते हैं हेलमेट सामने अपन। अरे भाई ये क्या 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 क्या, ये अपने आप डाइव मारता ना अपने आप और उठता ही नहीं, जो डाइव मारने के बाद बहुत गुस्सा आता है इसे देख के, इसको दिमाग खराब हो जाता है भाई इसे देख के। और ये क्या कूद के निकलने का, आराम से खेलेंगे यहाँ पे अभी। और खतरनाक लेजर आने चालू हो चुकी है अभी यहाँ पे, इतनी भी खतरनाक नहीं मतलब आ रही है, 4 लोग के हिसाब से खतरनाक ही है, क्योंकि इसमें से वो निंजा है ना जो पंच कर सकता है ऐसा फील आ रही है मुझे, लेकिन नहीं कर रहा पता नहीं क्यों, शायद वो पंच वाला निंजा एलिमिनेट हो चुका है। मैंने नाम नहीं पढ़ा था स्टार्टिंग में, अगर नाम पढ़ लिया तो देख ले रहा था कौन एलिमेंट हुआ कौन नहीं हुआ। और ये भी अकेला बचा एक लौता प्लेयर, देखते कब तक जिंदा रहता है ये। और भाई कैसे बच जाते यार, कैसे बच जाते हैं लोग ऐसे, मतलब हम लोग को शायद दिखने में अजीब लगता होगा लेकिन सही रहता होगा लेकिन पर्सपेक्टिव के हिसाब से, क्या बोल रहा भाग यार। चलो जाने दे, 4 मैच जीत गया भाई, 4 मैच जीत गया यहाँ पर मैं भी। और देखते भाई बाकी के बचे हुए 6 मैच कैसे जीतूंगा, और मुझे लग रहा है कि भाई अभी मैं 4-5 मैच लगातार हारने भी अलाऊ ऐसा लग रहा है मुझे पूरा। तो यहाँ पर अभी कैनन क्लाइम आ चुका है और इससे पहले मैं बीच में एक मैच हार गया और मुझे लग रहा है अगली मैच भी हार ही जाऊंगा मैं। और कैनन क्लाइम एक ऐसा मैप है ना भाई, किसको भाई बहुत ज़्यादा लोगों को जब आखिरी राउंड में आता है ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं है लास्ट राउंड के अंदर, लेकिन फर्स्ट सेकंड राउंड में कोई भी क्वालीफाई कर जाता है, लेकिन आखिरी राउंड में जब ये मैप नया नया जब था ना, मतलब गेम जब नया नया आया था एकदम, ये मैप किसको नहीं पसंद था उस वक्त, सब चिड़ते जा रहे मैप से कि भाई कैनन कभी भी आके पड़ जाता है यहाँ पे। तो अभी मैं सबसे आगे भाग रहा हूँ भाई, गायब हो जाए भाई, जल्दी गायब हो जाए कर यार, चूसा निकल गया मेरे से आगे, चूसा तो पंच की कुछ नहीं कर रहा, अपन किक मार के आगे निकल जाएंगे यहाँ पे। लेकिन देखो भाई मैंने चूसे को किक नहीं मारा, मैंने अपने बूस्ट बढ़ाने के लिए किक मारा था ऐसी। और यहाँ पर सबसे आगे निकल चुका हूँ मैं एकदम, इजीली जीत जाऊँगा मैं, इजीली जीत जाऊँगा यहाँ पर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये क्या यहाँ पर अटक जाता है बार बार, तो जाने दो भाई कोई बात नहीं। यहाँ पर मैं 5 मैच जीत गया अपने सिर्फ 11 मैच हारने, 12 मैच हारने का, मतलब 5 मैच जीता हूँ भाई, क्या गंदा चल रहा है भाई आज, बहुत गंदा चल रहा है। और मुझे लग रहा है भाई 10-20 मैच और हारूंगा अभी आगे मैं। और आ चुका है यहाँ पर अभी लावा रश, तो भाई इससे पहले मैं 1 मैच हार गया उसके बाद मैं लावा रश के अंदर आया हूँ, और ये मैच मुझे जीतनी पड़ी है फटाफट से, क्योंकि भाई 13 मैच हार गया टोटल अभी तक मैं। और यहाँ पर अभी कूद के निकलना पड़ेगा एकदम अच्छे से, मुझे आराम से डाइव मारेगा, डाइव ही नहीं मारा भाई मैं, गलती से ये लोमड़ी के ऊपर आ गया इसके लिए डाइव ही नहीं मार पाया, और लोमड़ी भी गिर गई यहाँ पर। और वहाँ पर एक ही अकेला प्लेयर भाग रहा भाई, सबके सब निकल गए होंगे आगे, और कोई दिख तो नहीं रहा, लेकिन शायद भाई बहुत ज़्यादा आगे निकल गए लोग इतनी स्पीड में एकदम। यहाँ पर मैं अपने एकदम स्पीड में निकलूंगा, किक विक आगे मारूंगा थोड़ा, यहाँ पे किक मार के मतलब नहीं, सीधे लावा में गिर जाऊंगा भाई, आराम से निकलेंगे, कोई दिख क्यों नहीं रहा आगे भाई, इतने आगे कैसे पहुँच गए लोग इतनी जल्दी, इतने आगे भाई दिख ही नहीं रहे पूरे एरिया में, तो भाई कहाँ पहुँच गए वो लोग। अब मेरे को वॉल करने के ऊपर से आना पड़ेगा, थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा इस बार मुझे, ज़्यादा इंतजार करें तो भाई वो लोग जीते आएंगे कोई ना कोई घुस के। और कोई दिख नहीं रहा भाई, शायद पहुँच को कोई फिर के लेगा मेरी वहाँ पे जाके, मैं जब पहुँचूंगा ना कोई कूद को घुसे का अंदर, कोई है ही नहीं भाई, कहाँ गए भाई सब लोग, गेम छोड़ देगा सब लोग ने, अकेला प्लेयर बचा था वो भाई, कोई है नहीं, यहाँ तक भी कोई नहीं आया, कोई दिख भी नहीं रहा पीछे, यार कहाँ गए सब लोग, बस वो अकेला प्लेयर मुझे दिखा मेरे एलिमिनेट होने के बाद, शायद सबके सबने गेम छोड़ डाले बीच में आके पता नहीं कैसे, जाने तो भाई। लेकिन मैं 6 मैच जीत गया अभी, 4 मैच बचे जीतने के लिए देते, कैसे जीता उसको। और आ चुका है यहाँ पर अभी लेजर ट्रेसर, और भाई आज लेजर ट्रेसर बहुत दिया जा रहा मुझे ये, और पिछला मैच में जीता था लावा रश के अंदर, देखते आला जीत पाऊंगा कि नहीं जीत पाऊंगा मैं। और अगर जीत गया तो भाई 2 मैच की स्ट्रीक बन जाएगी अभी, जैसे पहले की 3 की बनी थी, देखते 2 की और बना पाता हो कि नहीं मैं यहाँ पे। और एक कैप्टन गोल्डन हार्ट मुझे लगा भाई खड़े खड़े एलिमिनेट होगा, लेकिन चलने लग गया वो, मुझे लगा एफ के हो गया वो यहाँ पे। और ये मैं तो आराम से चलते हुए उस प्लेयर के चढ़ने के ऊपर चढ़ने की वजह से मैं यहाँ पर डाइव मार गया गलती से, आराम से खेलेंगे राउंड भी एकदम, कोई एलिमिनेट नहीं हुआ अभी तक का भाई, फटाफट एलिमिनेट हो जाए यार, वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी तो भाई, ये लेवल बहुत लंबी चलती है वैसे भी, कुछ ज़्यादा ही लंबी चल जाती है, अली लेवल खत्म ही नहीं होती भाई, कोई एलिमिनेट होता नहीं जल्दी, अगर कोई एलिमिनेट होगा नहीं तो अली लेवल आगे बढ़ेगी नहीं, मतलब ऐसा लगता है मुझे कभी कभी। और ये गेम वाले भाई टाइमर भी पता नहीं कब ऐड करेंगे गेम वाले इस गेम के अंदर, अगर टाइमर ऐड करते तो हम लोग को ऐसा लगता है कि भाई आते चलो इतनी देर में लेवल खत्म होने वाली है, तो सब टाइम पास करते उतनी देर तक का, इसमें भाई सर्वाइव करते रहो, जब गेम का मन करेगा तब बंद हो जाएगा अपने आप, को टाइमर है नहीं गेम के अंदर। और अभी 2 जन यहाँ पर एलिमिनेट हुआ है अभी, बाकी 5 लोग और एलिमिनेट होंगे तो जीत जाऊँगा मैं अगला राउंड भी, और 2 मैच की स्ट्रिक बन जाएगी।
आराम से कूदेंगे भाई, जल्दी जल्दी एलिमिनेट हो जाए, जल्दी जल्दी तीसरा एलिमिनेट भी हो गया। चलो भाई चार लोग और रहेंगे, मैं जीत जाऊंगा, अभी चार लोग और एलिमिनेट हो जाएंगे, मैं जीत जाऊंगा। और यहाँ पर अभी देखो एक भाई एक और गया, चौथा भी गया, बस तीन लोग बचे भाई, तीन ही लोग बचे एलिमिनेट होने के लिए। आराम से कूद के साइड में जाएंगे, ऊपर से कूद के यहाँ पे आ जाऊंगा आराम से। एक और हो गया भाई, एक और हो गया, उसके प्लेयर ने जंप ही नहीं करा शायद बराबर से, मैं देखा भी नहीं। और हड्डी भी गया यहाँ पर, बस कैप्टन गोल्डन हार्ट बचा हुआ, देखते भाई जीत पाएगा कि नहीं। भाई कैप्टन गोल्डन हार्ट भी डाइव मारने चक्कर में गया भाई, मेरे पैर से आकर लड़ गया, नहीं तो भाई सर्वाइव कर जाता वो कैसे भी करके। यहाँ पर मैं अपना सातवां मैच भी जीत गया, बाकी के बचे मेरे तीन मैच जीतने बाकी, देखते भाई जीत पाऊंगा कि नहीं जीत पाऊंगा उसको जल्दी से जल्दी। तो यहाँ पर आ चुका है अभी ब्लॉक डैश, और पिछला मैं एक भी मैच नहीं हारा, अगर यहाँ मैच जीतूंगा तो भाई तीन मैच की स्ट्रीक बन जाएगी। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि भाई मैं जीत पाऊंगा इसके अंदर, क्योंकि भाई जितनी बार मैं पाता उतनी बार हारता हूँ मैं, बहुत मुश्किल से होती कि भाई जीत जाऊंगा एक दो बार बीच में, लेकिन भाई ज़्यादातर हारा हूँ भाई इसके अंदर, ज़्यादातर हारा ही हूँ मैं अभी, देखते आला जीत पाऊंगा कि नहीं। और पंच कर रहा भाई डायनासोर, पंच कर रहा बीच में, उसको तो पंच या किक मार के रहूँगा भाई मैं एक दो बार, जैसे मौका मिला मैं अंधा तो किक मारूंगा, उसको पड़ गई तो पड़ गई, अच्छी बात। अरे यार मार देना चाहिए था, मार देना चाहिए था मुझे, मैं मारा नहीं काहे के लिए, नहीं पीछे कोई बात नहीं, यहाँ पर गेम पे ध्यान दो अपना चुपचाप से। वैसे भी आखिरी, ए भाई ये चढ़ जा यार, अब क्या कर रहा है ये, क्या भाई गिरते गिरते बचाओ, ए देखो कुत्ते ने पंच मार दिया के मुझे, मैं बोल रहा था पंच मार रही है, अरे पड़ी इसको, उसको भी पड़ी शायद, उसको पड़ी, उसको पड़ी कि नहीं पड़ी मैं देखा भी नहीं यार, इतने झटके में आगे निकला मैं देखा भी नहीं इसको पड़ी किसको नहीं पड़ी। यहाँ पर आराम, ए भाई क्या गंदे हरकत कर रहा है, चढ़ जा यार चढ़ जा भाई, भाई भाई गिरना मत, गिरना मत, गिरना मत, चढ़ गया भाई। और ये देखो पंच करे जा रहा है डायनासोर, अभी भी ये डायनासोर हेलमेट हो जाना चाहिए भाई, डायनासोर नहीं होगा भाई जल्दी होगा नहीं वो ऐसे लोग। ए भाई क्या गंदी डाइव मार रहे हो भाई, आराम से खड़े रहेंगे, आराम से टकराना मत, टकरा के चलो अच्छी बात है, एकदम सही जगह पर टकराया, ज़्यादा खराब भी नहीं हुआ, कूद के निकलेंगे यहाँ पर। ए भाई अच्छा अच्छा हुआ भाई, ये देखो कितना ऊपर गया वो वंडर समोरा स्किन लेकर, कितना ऊपर गया, बच गया भाई, जस्ट बचा एकदम जाके कोने पे वो, आराम से कूद के यहाँ पर चढ़ेंगे ऊपर। और यहाँ पर तीन लोग एलिमिनेट होने के लिए और बचे हुए, और डायनासोर बचा हुआ मुझे ऐसा लग रहा है, नहीं नहीं हड्डी बचा, डायनासोर, डायनासोर गया भाई, डायनासोर एलिमिनेट हो गया यहाँ पे, ये दोनों और हड्डी बचे हुए यहाँ पे बस। और यहाँ पर कूद के निकलेंगे, इसके ऊपर चढ़ जाएंगे आराम से, जीतेंगे भाई आराम से जीतेंगे इसके अंदर भी, और हड्डी जाएगा शायद, हड्डी जाएगा ऐसा लग रहा मुझे, हड्डी जाने वाले भाई, नीचे नीचे से रास्ता ही नहीं है भाई, अरे भाई अरे भाई 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 भाई, यहाँ पर अभी हड्डी का भाई बोल रहा था, हड्डी जाएगा ऐसा लग रहा था मुझे, और हड्डी का यहाँ पर हेलमेट हो गया ये। और यहाँ पर भाई कूद के जाएंगे आराम से, आराम से कूद के चढ़ जाएंगे, अरे भाई इसकी वजह भाई दोनों ही नहीं चढ़ पाए यार, वो भी गिर गया, तीनों गिर गए यहाँ पे कूद के। भाई मैं ट्रिक करूंगा जो यूट्यूब पे दिखता है सारी ट्रिक में, सबके सब गिर गया भाई, सबके सब गिर गया, जीत गया मैं। और यहाँ पर अभी फाइनली मेरी एक और बार तीन मैच की स्ट्रिक बन गई यहाँ पर, तो अभी इस वीडियो को मैं आठ मैच जीतते को यहाँ पे, देखते भाई बाकी के बचे हुए दो मैच कैसे जीता हूँ भाई, स्ट्रिक बनानी भाई पाँच मैच की मुझे स्ट्रिक बनानी किसी भी करके। तो अभी यहाँ पर आ चुका है लेजर ट्रेसर, वापस से आ गया भाई, और पिछला मैं एक भी मैच नहीं हारा ब्लॉक टेस्ट के बाद, और लेजर ट्रेसर अगर मैं जीत गया ना भाई तो भाई लेजर ट्रेसर मैं चार मैच जीत जाऊंगा, लेजर ट्रेसर के अंदर ही चार मैच जीत जाऊंगा आज मैं वैसे भी, और मेरी चार मैच की स्ट्रिक भी बन जाएगी यहाँ पर, मुझे जीतना पड़ेगा इसीलिए। और ये जो डेमेट्रन भाई मैं नाम भूल जाता है यार स्किन का, डायनामेट्रॉन करके नाम है स्किन का, मैं पिछला गलत नाम, अरे भाई गिर गया, अरे भाई बचा भाई, क्या ही बचा मैं, वो डबल जंप मार देता वहाँ पे गलती से मैंने, मेरे को डाइव नहीं, अरे पंच कर रहा भाई कुत्ता, पंच मार रहा है यहाँ पे आके, दो दो पंच कर रहे हैं यहाँ पे, और ये दो दो पंच कर रहे भाई, पीटर पेन शायद मेरे को नहीं करेगा, पीटर पेन जो स्किन लेकर रखा है वो मुझे नहीं करेगा ऐसा लग रहा है मुझे, जो हरा कपड़ा पहन के घूम रहा है, लेकिन बाकी भाई स्पेशल स्किन वाला मुझे ही पंच करेगा ऐसा लग रहा है। देखो भाई मुझे पंच, भाई बच कैसे गया वो, पहले अच्छा था भाई बीच में, मैं भी किक मार पंच मारा लेकिन लगा नहीं उसके यहाँ पे, पहले सही था भाई, अगर आप लोग कूद के भी पंच मारोगे कैसे भी पंच मारो आपका प्लेयर भाई जगह पे अटक जाएगा, लेकिन भाई लोग ने अपडेट डाल के ना गेम में ग्लिच डाल दिया पता नहीं काहे के लिए। और भाई ये ना शायद पीटर पेन की स्किन जो लेकर खेल रहा ना वो उसी को मारने के चक्कर में यहाँ पे, मुझे नहीं मारने वाला वो, सिर्फ वो ना स्पेशल स्किन वाले को मारेगा वहाँ पे ऐसा लग रहा है मुझे। और ये जो देखो भाई इतना अच्छा इसका चांस था मारने का, वो मार दिया होता अगर वो मुझे मारना चाहता लेकिन उसने नहीं मारा मुझे, और दो लोग आपस में लड़ रहे हैं लोग, मैं भी भाई मेरे को भी स्पेशल स्किन वाले को मारने का वहाँ पे कैसे भी करके, तो भाई गेम खराब हो जाएगा मेरा पूरा, स्ट्रीक खराब हो जाएगी। पड़ा कैसे नहीं पड़ा भाई, मेरे सामने खड़ा था एकदम मुंगी जितना गैप था लेकिन लगा नहीं उसको भाई, पता नहीं कैसे नहीं लगा। और यहाँ पर अभी भाई अगर उसने मारा मुझे भाई वापस ही नहीं लगा, बच गया वो, और ये बच गया भाई, वापस से बच गया वो, वापस से भाई पीटर पेन स्किन वाले ने क्या मस्त खेला यहाँ पे। और ZG नाम लिखा भाई, ZG सब्सक्राइबर भाई मेरा, कमेंट करते रहता वो, और उसने भाई लेटा दिया, एलिमेंट कर भी दिया उसने भाई, क्या मस्त एलिमेंट करा भाई, क्या मस्त एलिमेंट करा उसने यहाँ पर, और हाई कर रहा है यहाँ पे, और कूद गया भाई, कूद गया वो भाई, क्राउन दे दिया उसने मुझे, तो थैंक यू भाई, मैं नाम नहीं पढ़ा पाया, बस ZG लिखा हुआ वो पढ़ा था मैंने, बस ZG ऐसा कुछ लिखा हुआ था, तो भाई मैं थैंक यू लिख दूंगा अभी तक तुम्हारे लिए। हो चुका भाई एक और मैच जीत गया मैं, बस एक ही मैच बची जीतने के लिए, देखते कैसे जीतता वाली मैच में। और यहाँ पर आ चुके हैं वापस से लेजर ट्रेसर भाई, पिछला मैच ही मैच के अंदर जीता था, अगर ये आला मैच में जीत गया ना तो भाई मेरी पाँच मैच की ट्रिक बन जाएगी, यहाँ पर चार मैच की ऑलरेडी बन चुकी है और पाँच मैच की स्ट्रीक भी बनेगी, प्लस मैं पाँच मैच जीता हूँ ब्लॉक डैश के अंदर आज भाई, पाँचवा राउंड है ब्लॉक डैश के अंदर, पाँचवा छठा मेरे को याद भी नहीं जरा भी, लेकिन पाँचवा इतना तो है कि भाई पाँच हो चुके अभी, इसको मिला के पाँच या छः ये नहीं याद है मुझे, पाँच तो है भाई, पाँच तो हो ही जाएंगे टोटल कैसे भी करके। और अभी देखो भाई एक और यहाँ पर स्पेशल स्किन वाला है कूल किंग, इसको तो भाई मुझे करना एलिमिनेट करना है, इसको मुझे, इसको तो भाई पंच मार के करके, देखो भाई मुझे पंच मारा था यहाँ पर आके, ये इसको तो भाई गया भाई सही टाइम देख के मार दिया उसको एकदम मैंने, और ये एलिमिनेट भी हो गया वहाँ पर, मस्त एकदम एलिमिनेट करा उसको मैंने, जिसको लड़ना है लड़ो भाई, तुम लोग को आपस में लड़ना है लड़ लो, मेरे को मत मारना बस कोई भी आके,
मैं लेकिन यहाँ पर अपनी वो सेफ्टी के लिए खोल कर रखूँगा अपना पंच वाला इमोट, और ये 7x करके लिखा है जो मुझे पंच मारेगा ऐसा लग रहा है। मुझे अगर भाई मुझे मारना होता मुझे मार दिया होता, अगर उसने अगर मारना होता अभी तक मार दिया रहता, लेकिन नहीं मारा उसने मुझे। देखो वापस से देखो भाई, अच्छा खासा चांस था उसके पास, नहीं मारा उसने और उसको पंच मार रही भाई हरी हड्डी, उसको पंच मारी शायद इन दोनों के बीच में हो गई लड़ाई, हो गई इन दोनों के बीच में। और निंजा किसी को नहीं मारा शायद, निंजा के पास है भी नहीं पंच। और भाई एक दोनों को ले लिया भाई उसने। चलो भाई जाने दो, तीन लोग एलिमिनेट हो चुके, चार लोग एलिमिनेट होने के लिए बचे। अगर ये चारों एलिमिनेट होंगे तो फटाफट से मैच जीत जाऊंगा मैं। लेकिन भाई लेजर टेसर कुछ ज़्यादा ही बार आ गया और एकदम लंबा लंबा चल रही है, और वीडियो भी शायद मुझे 15 मिनट के ऊपर की बनेगी। और भाई मुझे पंच मारने आता लगा ही नहीं, लेकिन लगा ही नहीं भाई, गलत जगह चलेगा वो यार, डायरेक्शन गलत थी यार, तिरछे में थी, नहीं तो भाई सीधे सीधे एलिमिनेट हो गया वो तो वो। और देखो उसने पंच मारा लेकिन उसको लगा ही नहीं यहाँ पर, और यहाँ पर हड्डी एलिमिनेट हो गया भाई, हड्डी एलिमिनेट हो चुका है यहाँ पर। और इस 7x नाम नहीं पढ़ पाया यार भाई, एकदम थैंक यू भाई, थैंक यू क्राउन देने के लिए शुक्रिया, मैं नाम नहीं पढ़ पाया तुम्हारा। तो यहाँ पर अभी भाई मेरे टोटल क्राउन कंप्लीट हो चुका है, और आज मुझे दो दो क्राउन फ्री में मिल गया यहाँ पे, पता नहीं क्यों दिया भाई लेकिन दे दिए, चलो अच्छी बात है दे दिए। तो मेरा आज का टारगेट यहाँ पर कंप्लीट हो गया यहाँ पे। तो गाइस आज का 10 क्राउन जमा करने के लिए मैं टोटल 13 मैच हार गया, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कम हारा हूँ, क्योंकि भाई जो शुरुआत हुई थी ना मेरी, जिस तरीके में शुरुआत हुई थी ना, मतलब 11 मैच हार गया था तो सिर्फ 2 ही क्राउन जीता था 11 मैच हारने के बाद ही। तो भाई मेरी एकदम हालत खराब थी स्टार्टिंग में तो, लेकिन एंडिंग में आते आते एकदम अच्छी खासी स्ट्रीक बन गई, जिसकी वजह से मैं जीत गया। तो गाइस मेरा जो आज का टारगेट था 3580 क्राउन का, वो कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। और जो मेरा नेक्स्ट टारगेट है वो है 3590 क्राउन जमा करने का, तो देखते भाई मैं कैसे कर पाता हूँ उसको। तो गाइस आज के लिए बस इतना, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब मैं आपको अपनी एक नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय।